इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सवर्ण आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी ने बिल लाने के तरीके का विरोध किया है। लोकसभा में बिल पेश करने के तरीके का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन बिल पेश करने के तरीके का वो विरोध कर रही है। सवर्ण आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी का ये विरोध। एसपी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बिल पे जो बिल है उसे पेश करने के तरीके का विरोध किया है, लेकिन कुल मिलाकर कैसे किंतु परंतु के साथ समाजवादी पार्टी भी मोदी सरकार के इस बिल के साथ ही नजर आ रही है, जरा वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामगोपाल यादव जी। सर, क्या स्टैंड है पार्टी का? आपने अपने देखा भी होगा बिल। देखिए, पार्टी ये जो बिल है जो अपर कास्ट के गरीब लोगों के आरक्षण के संबंध में है उसका समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% की सीमा लगाई गई है उसके ऊपर जाने का जो गवर्नमेंट का प्रयास है उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति चला जाएगा, इतना बड़ा देश है, तो कोर्ट इसको रद्द कर देगा। एक बार पहले भी नरसिंह राव साहब लाए थे तो इसको रद्द कर दिया था। हमारा इसके साथ में ये और कहना है कि जब बीपी सिंह साहब ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी तो इसी 50% की सीमा की वजह से, चूंकि 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए है, इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के 54% की आबादी के आधा करके 27% किया था ताकि वो 50% के सीमा के अंदर रहे। अब गवर्नमेंट जब 50% की सीमा की सीलिंग को तोड़ रही है तो हमारी ये मांग है कि पिछड़ों के लिए 54% आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि पिछड़ों के लिए भी 54% आरक्षण की मांग कर रहे हैं रामगोपाल यादव। उनका यही कहना है कि अगर सरकार वो 50% की लिमिट तोड़ने को तैयार है तो फिर पिछड़े जिनकी आबादी कहीं ज़्यादा है उनके लिए भी आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि जो सवर्ण आरक्षण की जो बात हो रही है, जो इसको लेकर के सरकार बिल ला रही है आर्थिक आधार पर, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अब मांग एक ही है कि इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण भी बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो सुन रहे थे आप रामगोपाल यादव को। बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जब सरकार 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसी को तोड़ रही है, संविधान संशोधन कर रही है, तो अब तो पिछड़ों के लिए भी 54% आरक्षण सरकार को देना चाहिए। मतलब पिछड़ों की आबादी के अनुपात से चाहते हैं रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, पिछड़ों के लिए 54% आरक्षण हो। और कुल मिलाकर इसी किस्म की राय जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी सामने निकल कर आई थी। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो पिछड़े हैं, एससी एसटी हैं, उनके आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए। सुनिए जरा मायावती ने किस तरीके से किंतु परंतु के साथ मोदी सरकार के इस सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन किया। वैसे भी बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों वे घोर चुनावी वायदा खिलाफियों के कारण विश्वासघात के आरोपों का संकट झेल रही है और चुनाव भी हार रही है, तो ऐसे में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में इनकी ये घोषणा लोगों को एक चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी बीएसपी इस संबंध में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का जरूर समर्थन करेगी, क्योंकि ये हमारी पार्टी की सबसे पहले व काफी पुरानी मांग है। तो सुन रहे थे आप मायावती को, किस तरीके से मायावती ने किंतु परंतु के साथ मोदी सरकार के इस सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन किया। और वही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे अब सरकार से ये मांग कर रही है कि जब सरकार 50% की जो लिमिट है उसी को खत्म कर रही है, आरक्षण के दायरे को बढ़ा रही है, तो फिर जो ओबीसी है, जो पिछड़े हैं, उनके आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया जाए, 54% उसे किया जाए ओबीसी की आबादी के अनुपात में। और लोकसभा में किस
तरीके से मंत्री थावरचंद गहलोत ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ये बिल पेश किया, जरा वो देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रोड्यूस तो होने दो। मैं संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पुरस्थापित करता हूँ। यस, नहीं आपने ऐसा कुछ ये नहीं दिया है, कारण नहीं दिया है। द क्वेश्चन इज दैट लीव बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से हूँ। आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द लीव इज ग्रांटेड, मिनिस्टर मे नाउ इंट्रोड्यूस द बिल। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। तो सुना आपने किस तरीके से थावरचंद गहलोत, जिन्होंने लोकसभा में यह बिल पेश कर दिया है, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शाम 5 बजे अब इस बिल पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार यह आरक्षण बिल पास कैसे होगा, क्योंकि यह है संविधान संशोधन। सवर्ण आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करना होगा, और संविधान संशोधन बिल जो है वो सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से पास होता है, मतलब 67% सांसदों का समर्थन इसके लिए जरूरी होगा। लोकसभा में 59%, राज्यसभा में 36% सांसद समर्थन में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिरकार ये बिल पास कैसे होगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी के समर्थन से आरक्षण बिल पास होगा, लोकसभा में नंबर हासिल कर लेगी एनडीए, लेकिन राज्यसभा में तो अब भी पेच पसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार इस चुनौती को कैसे पार पाएगी, क्योंकि ये गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण चुनावी साल में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक तो माना जा रहा है, लेकिन अमल में सरकार इसे कैसे लेकर आएगी, इस पर बड़ा सवालिया निशान। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।